एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य ऋषि कश्यप, यहाँ प्रश्न नहीं वहाँ जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं होती वहाँ ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए। प्रभु आप तो कालोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो वह अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो ना केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें ना केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, मोह माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग है, और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है।